हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मार्टी नसीम में। फ्रेंड, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि आप जियो पॉस लाइट ऐप से जियो पॉस प्लस में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ मेरे पास बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबरों की कमेंट आ रही है कि उन्हें जियो पॉस प्लस आईडी नहीं आया है, यानी कि उन्होंने जब रजिस्ट्रेशन कर लिया जियो पॉस लाइट पे, तो उसके बाद भी उनके पास जियो आईडी नहीं आया या जियो पासवर्ड नहीं आया। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जिन रिटेलरों के पास आईडी और पासवर्ड नहीं आया उन्हें क्या करना है, कैसे वो अपनी आईडी और पासवर्ड हासिल कर सकते हैं। बने रहिए वीडियो में अंत तक। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के बटन को दबा लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी 50 रुपये का कैशबैक पाना चाहते हैं तो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दिया है। आप उस ऐप को अगर उस लिंक पर जाकर डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो आपको 50 रुपये का कैशबैक हाथों हाथ मिल जाएगा। ये वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिन नए रिटेलर भाइयों ने जियो पॉस प्लस की आईडी और पासवर्ड हासिल करने के लिए जियो पॉस लाइट पर अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करा दिया है, तो उन रिटेलर भाइयों को मैं बताना चाहूँगा। फ्रेंड, जब आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड जियो पॉस लाइट ऐप पर अपलोड करके अपनी फाइल को सबमिट करते हैं तो इसकी एप्लीकेशन जियो टीम के पास अप्रूवल के लिए चली जाती है, जहां से जियो टीम आपके पहचान यानी कि आधार कार्ड को और पैन कार्ड को मैच करती है, उसे वेरीफाई कराती है, उसे चेक करती है कि ये दोनों सही हैं और आपकी लोकेशन वगैरह चेक करती है। उसी के बाद आपको आईडी दी जाती है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि ये लंबा प्रोसेस होता है। लंबा प्रोसेस मतलब इसमें वेरीफाई करने में टाइम लगता है। वेरीफाई करने में इस वक्त ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जियो पॉस लाइट ऐप पर डाउनलोड दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसके मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और इस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी कि बहुत सारे यूज़र जियो पॉस लाइट ऐप से जुड़ रहे हैं, तो इसकी वजह से ज़्यादा एप्लीकेशन फाइल सबमिट हो रही है, उसी की वजह से ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अब मैं आपको बता दूँ, जब मैंने इसमें जियो पॉस लाइट में रजिस्ट्रेशन किया था तो मुझे इसमें आधे एक घंटे में आईडी और पासवर्ड मिल गई थी, लेकिन इसी के साथ साथ जब कुछ हफ्तों बाद मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने इस पर रजिस्ट्रेशन किया था तो उन्हें दो दो दिन तीन दिन तक वेट करना पड़ा था। इसी तरीके से जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसी तरीके से हिसाब से एप्लीकेशन की संख्या भी बढ़ रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़र इसे यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें फाइलें बहुत सारी हो गई, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो गई, इसी की वजह से वेरीफाई होने में अप्रूवल होने में देर लग रही है। तो इसी से आपको वेट करना होगा। जिन्होंने भी नई जिन रिटेलर भाइयों ने नई नई अपनी एप्लीकेशन जमा कराई है उन्हें अभी थोड़ा वेट करना होगा अपनी एप्लीकेशन को, यानी कि जियो पॉस प्लस की आईडी और पासवर्ड जैसे ही वो अप्रूव करते हैं आपके पास एक मैसेज आ जाता है, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। वेट जब तक आप करेंगे, जब तक यानी कि जैसे ही आपकी फ़ाइल अप्रूव हो जाएगी आपके पास मैसेज आ जाएगा। मैसेज के साथ साथ आपको एक मेल भी आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि मेल आपका किस तरीके का होगा। देखिए, मैं अपने जीमेल आईडी आप ओपन कर लीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे मेल हैं। मैं सब सिंपली अपनी सर्च बार में लिखूँगा जियो अकाउंट और यहाँ आप देख सकते हैं im.admin से आपके पास एक मेल आती है। जब आप जियो पॉस लाइट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके बाद आपके पास एक मेल आ जाती है। मेल आती है जियो की तरफ से, जहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि आपकी आईडी और पासवर्ड ऐसे ऐसे। इसका एक मैसेज भी आता है, लेकिन जिस कस्टमर के पास मैसेज नहीं आता वो इस मेल के माध्यम से अपनी आईडी और पासवर्ड हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी एक बार मेल भी चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत दफ़ा एसएमएस के आपकी इनकमिंग नहीं होती या कोई दिक्कत होती है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपका मैसेज आपकी आईडी और पासवर्ड आ जाता है लेकिन आपके पास आपके मैसेज बॉक्स में नहीं आता। तो आप एक बार अपने जीमेल आईडी, जो भी आपने जीमेल आईडी रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाली थी, वो आप जीमेल आईडी यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी पर जाकर अपनी आईडी और पासवर्ड यानी कि जियो अकाउंट यहाँ सर्च बार में लिखना, जियो अकाउंट सर्च बार में जीमेल के यहाँ मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ सर्च होता है, यहाँ जियो अकाउंट, यहाँ आप देख सकते हैं अगर आपके पास इस तरीके का कोई मैसेज है तो आपको मेल आईडी आ गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास एक आईडी है और नीचे उसका पासवर्ड है। तो फ्रेंड, ये था प्रोसेस आज की वीडियो का। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।